हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस आज जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा इसका टॉपिक। आज का टॉपिक है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। अब गाइस बॉडी मास इंडेक्स एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग की जो भी बॉडी है इसका एक मास होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हर एक इक्विपमेंट का खुद का मास होता है। सो इस मास को जब हम लोग kg से डिवाइड करते हैं हमारी, तो हम लोगों का बॉडी मास इंडेक्स आता है। मैं इसके साइड में फॉर्मूलाज भी बताता जाऊंगा। सो गाइस बॉडी मास इंडेक्स से हम लोग असल में पता क्या लगा सकते हैं, अगर हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों ने इसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज में ऐसे डिवाइड कर लिया है कि कोई अगर है, मतलब अगर पर्टिकुलर इतना BMI है उससे कम है तो वो अंडर वेट है, अगर इससे इसके बीच में है तो नॉर्मल वेट है, इसके आगे है तो वो ओबेसिटी में है, फिर ओबेसिटी का फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और इसके हिसाब से हम लोग फिर लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि इसके बीच में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी साइंटिस्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा इसी वीडियो में। बट मैं आपको सबसे पहले BMI बताता हूँ कि बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है। सो गाइस जो बॉडी मास इंडेक्स है वो हमें कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोगों को हमारा जो बॉडी वेट है उसको हमको वेट को लेना पड़ता है केजीज में, और फिर हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है हमारी जो हाइट है उसके मीटर स्क्वायर में। अब मीटर स्क्वायर में मैं फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि मैंने देखिए फॉर्मूला तो आपको दिखा दिया फोटो में, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे मान लीजिए मेरी हाइट अपन ले लेते हैं कि मेरी हाइट जो है वो 5.8 है। तो अगर हम लोगों को, क्योंकि 5.8 जो है वो 5 feet है, 5 feet and 8 inches, तो हम लोगों को पहले 5 feet को भी inches में चेंज करना पड़ता है। तो जो 1 feet होता है वो लगभग 12 inch का रहता है, तो 12 × 5 = 60, तो हो गया पूरा 60, और 60 + 8 = 68 inch हो गए। अब 68 inch को हम लोगों को पहले सेंटीमीटर का में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो गाइस 1 inch जो रहता है वो होता है 2.54 centimeter का। तो हम लोग फिर इंच को यानी कि 68 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 से, जिसका लगभग आ जाएगा 172.72 कुछ करके, और फिर हम जब इसको मीटर में चेंज करेंगे, अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना है, सिंपल हम जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.72, और फिर हम 1.72 को स्क्वायर करेंगे, और मेरा अगर बॉडी वेट मान लीजिए मैं 90 मान लेता हूँ, तो फिर मैं उससे डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा BMI कितना आ रहा है। अब BMI जब मिल जाता है तो फिर हमको ये समझ में आ जाता है कि हमारा वेट जो है वो अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, या ओवर वेट है, ओबेसिटी में क्या है, वो हमें समझ में आ जाता है क्लियरली। मैं इसका चार्ट आपके लिए दे रहा हूँ, क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ कि क्राइटेरिया में कैसे कैसे ओबेसिटी वगैरह में कौन से कैसे कैसे क्राइटेरिया रहते हैं गाइज। मगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने मेरे से पूछा, और मैंने भी खुद अपने एक फैकल्टी थे उनसे इस चीज़ के बारे में कंसल्ट किया कि सर BMI असल में हो सकता है कि गलत भी आए, क्योंकि BMI गलत होने के कारण मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरा ये पर्सनल थिंकिंग है ऐसा, बहुत सारे जो लोग रहते हैं उन लोगों की खुद का बॉडी मास में उनका जो बोन डेंसिटी है वो ज़्यादा भी होता है, और हर पर्टिकुलर बोन की अगर हम डेंसिटी की बात करें और उसको इंक्लूड करें तो हो सकता है कि किसी इंसान की बोन डेंसिटी ज़्यादा है मगर उसका जो वेट है वो भी फिर ज़्यादा ही आएगा। मगर अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सेम हाइट के ही हैं, सेम हेल्थ के हैं, मगर उसकी बोन डेंसिटी कम है या फिर उसका फैट डिपोजिशन ज़्यादा है, तो फिर उसके फैट की वजह से उसका वेट जो है वो डिफर करेगा। तो सेम हाइट के ही लोगों का वेट अलग अलग भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि दो लोग, दोनों के दोनों जो हैं सेम BMI वाले हैं, मगर एक जो है वो बिल्कुल अनफिट है और दूसरा वाला जो बहुत फिट है बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों में भी बहुत कभी कभी इसके बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर मैंने आपको जैसे BMI का नॉर्मल बताया, तो आप लोगों को BMI कैलकुलेट करना अब आ जाएगा, और BMI कैलकुलेट करके जो मैंने क्राइटेरिया आपको फोटो में बताया है, इससे आप किसी का भी पता लगा सकते हैं कि भाई कोई भी इंसान जो है वो अंडर वेट है, नॉर्मल है, या फिर वो ओबेसिटी में है। और इसको और आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, बुक्स में भी दिया रहता है। ओबेसिटी के फिर अलग अलग लेवल रहते हैं, ओबेसिटी 1, ओबेसिटी 2, ओबेसिटी 3, और फिर उसके बाद आगे आगे जैसे बढ़ता जाता है, इसके हिसाब से हम लोगों को हमारा वेट मेंटेन करना चाहिए। इन केस अगर आप पूछेंगे कि मुझसे मेरे वेट के बारे में, तो हो सकता है कि मेरा भी जो वेट है वो ओवरवेट में ही है, और बहुत आजकल नॉर्मल प्रॉब्लम आती है। सो इस चीज़ को हो सके तो कोशिश करिए कि आप जब कभी भी कोई आए इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिर BMI लेना सीख जाएंगे। इसके साथ साथ गाइस मैं आपको फिर से वापस अपडेट देता रहता हूँ, तो फिर से बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि MMT के ऊपर हैं, जो कि फिजियोथेरेपी के ऊपर हैं। मेरे जो चैनल है उस पर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और बहुत सारी नई नई जो वीडियोस मैंने उसमें डाली हुई हैं वो आप प्ले करके देखिए, आप उसे सीखने की कोशिश करिए। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट आता है या आप चाहते हैं मैं कुछ और न्यू वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ फिर उस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊँगा, आपको उससे मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आज का BMI बहुत छोटा सा टॉपिक था। इसके साथ जिन भी लोगों को कभी ऐसा लगता है कि हमारा BMI कितना है हम कैलकुलेट करें, तो उन लोगों से वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।